देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव, सच के साथ सच की बात। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पत्रकार संघ ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जीआरपी जवान द्वारा पत्रकार को बेरहमी से मारा गया था, उसके विरोध में आज जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए सीनियर पत्रकार ने क्या कहा। मैं सूर्यमणि रघुवंशी, आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या है? प्रेस को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और वर्तमान परिस्थितियों में ये चौथा स्तंभ खतरे में है। आए दिन जगह जगह पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटना चाहती हैं और शामली की घटना ने जिस तरह पूरे लोकतंत्र को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शर्मसार किया है। जीआरपी के पुलिसकर्मियों द्वारा वहां के वरिष्ठ पत्रकार बहसियाना हरकत की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम बिजनौर के समस्त पत्रकार उस घटना की निंदा करते हैं और उन सभी हमलों की निंदा करते हैं जो प्रेस की आज़ादी पर।